भारतवर्ष के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ जगदम्बा जयंती की गोद में विराजमान सतगढ़ ग्राम सभा देवभूमि उत्तराखंड राज्य के सीमांत पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। दिल्ली से 550 किलोमीटर और टनकपुर धारचूला रोड पर समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में ग्राम पंचायत सतगढ़ 1700 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। सतगढ़ की आबादी 1200 है और यह समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 330 परिवारों के इस गांव में 800 मतदाता हैं, 55% महिलाएं एवं 45% पुरुषों वाले सतगढ़ गांव में। गांव में 5% अनुसूचित जाति एवं शेष सामान्य जाति के परिवार हैं। ग्राम पंचायत का विकासखंड थाना और तहसील कनाली छीना है। ग्राम सभा में 7 ग्राम सदस्य हैं जिसमें से 4 महिलाएँ एवं 3 पुरुष सदस्य हैं। ग्राम सभा की प्रधान श्रीमती सावित्री देवी कापड़ी का जन्म 18 अगस्त 1975 को श्री हरिदत्त बरना एवं श्रीमती कलावती देवी के घर हुआ। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई के बाद सतगढ़ निवासी प्रसिद्ध सामाजिक सुधारक श्री हरिदत्त कापड़ी के सुपुत्र श्री कैलाश चंद्र कापड़ी के साथ 1973 में आपका विवाह हुआ। मात्र 21 वर्ष की आयु में प्रथम बार अक्टूबर 1996 में आप सतगढ़ की ग्राम प्रधान निर्वाचित हो गई। तब से वर्ष 2002, 2008 एवं 2014 में भी आप ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए। मई 2008 में सामान्य सीट होने पर भी श्रीमती सावित्री चुनाव लड़ी और 2 पुरुष उम्मीदवारों को हराकर निर्वाचित हुई। जून 2014 के पंचायती चुनाव में आप सतगढ़ ग्राम सभा की निर्विरोध ग्राम प्रधान निर्वाचित हो गई। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में संभवतः लगातार 4थी बार किसी महिला का प्रधान बनना अपने आप में पहली घटना होगी। आपके कुशल नेतृत्व में ग्राम सभा सतगढ़ ने पिछले 20 सालों में अपने निजी संसाधनों से विकास की कई नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। पर्यावरण संरक्षण हो या ग्राम सभा के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के अभिनव प्रयोग हो, आप लगातार अपने मिशन में सफलता प्राप्त कर रही हैं। सादगीपूर्ण तरीके से शादी विवाह नामकरण आदि कार्य करना भी सतगढ़ गाँव की एक और पहचान है। सामुदायिक विकास की भावना से ओतप्रोत सतगढ़ ग्राम सभा के लोग अपने गांव की विकास योजनाओं का स्वयं निर्धारण करते हैं। वर्ष में जहां सिर्फ 1 या 2 बैठकें ग्राम सभा की होती हैं, सतगढ़ में 4-5 बैठकें होती हैं। गांव की खुली बैठकों में योजनाओं के निर्धारण से लेकर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण तक गांव के लोग स्वतः स्फूर्त भाव से कर रहे हैं। प्रत्येक परिवार अल्प बचत से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। गाँव में उन्नत पशुपालन एवं बागवानी लोगों की आर्थिक उन्नति के प्रमुख कारक हैं। गाँव में गठित 15 महिला स्वयं सहायता समूह उन्नत नस्ल के पशुपालन के लिए और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संगठित है। गाँव में बाकायदा पशु प्रदर्शनी लगाई जाती है जिसमें दूर दराज गाँव के लोग उन्नत नस्ल की गायों की खरीद करते हैं। गाँव में उत्पादित होने वाले करीब 500 लीटर दूध से आसपास के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। ग्राम सभा की पहल पर सरकारी पेयजल योजना का संचालन स्वयं गाँव के लोग कर रहे हैं और हर घर में शुद्ध पानी सुचारू रूप से मिल रहा है। समाज कल्याण विभाग की सभी योजनाओं का लाभ गांव के लोगों को प्राप्त हो रहा है। अल्प बचत के प्रति लोगों की सक्रियता का ही नतीजा है कि डाकघर में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 वर्ष तक की उम्र की 60 बालिकाओं के खाते खुल चुके हैं। 3 वन पंचायतों की सतगढ़ ग्राम सभा ने वन संपदा को उन्नत करने की तो जैसे मिसाल ही कायम कर दी।
हाँ देते हैं। शुरू, आपका नाम क्या है? मेरा शुभ सर श्रीमती जयंती, आपकी से जानते हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। आपने स्वयं सहायता समूह बनाया है क्या? जी सर। कितने साल पहले? मैंने 4 साल पहले से मैं इसमें काम कर रही हूँ जी। 7 स्वयं सहायता समूह के मैंने ग्राम सभा सत्र में गठन कर रखे हैं और सारे विकास खंड वालों का भी मेरे साथ सहयोग था, उन्होंने मुझे बताया ये जानकारियाँ दी और मैंने जो है उनके अनुसार कार्य किए। तो 7 समूह तो अपने गांव में रखे थे, अन्य और ग्राम सभा हराली में भी मैंने गठन कराए थे जी। और इसके अतिरिक्त जो है समूह की सभी महिलाओं को मैंने हर महीने, मतलब आजकल तो 1 महीने में 4 बार बैठकें हो रही हैं और 4 बार पैसा जमा कर रहे हैं, इनको हर बैठक में जैसे बुलाते हैं, सभी महिलाएं आती हैं और बचत की जानकारियां देते हैं जिससे महिलाओं में बचत की आदतें बनी हुई हैं। और जो है जो सारा काम करने को चाहती हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए तो समूह से हम ऋण निकाल के ले लेते हैं, उसके बाद ब्याज के तौर पर जमा करके अपने हिसाब से हम समूह की महिलाएँ ब्याज रखती हैं और बचत में जमा करती हैं प्रति महीने। मतलब जैसे 10 लोगों का ग्रुप है तो ये लोग 500 रुपया जमा कर लेती हैं। बहुत अच्छा। आपको समूह बनाने के लिए प्रेरित किसने किया था? प्रेरित था, पहले तो ग्राम सभा के अंदर ही बैठक में बात रखी थी, प्रधान जी ने हमें बुलाया और फिर जो है विकास खंड वाले आए तो उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी और प्रधान जी की अध्यक्षता में हम लोग ने बैठक की और समूह का। बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप 5वीं बार भी सावित्री देवी जी को ग्राम प्रधान चुनना चाहेंगी? जी सर। क्यों? क्योंकि हम जो बात, मतलब मैं ही नहीं पूरे गांव वाले जो बात रखते हैं, प्रस्ताव जो रखते हैं, इस बार की मीटिंग में हम प्रस्ताव रखेंगे, अगली बार जो लोग हमारे काम का सहयोग देके करवाते हैं और मिलता भी है जनता को फायदा, इसलिए बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग सतगढ़ गांव के रहने वाले हैं, आप अपने ग्राम प्रधान से कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। तो क्या आप ये उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं आप लोग भी? जी जी, पूरा सहयोग कर रहे हैं अपने पता। आप लोग बैठकों में लगातार आते हैं? जी जी। आपके यहाँ सरकारी अधिकारी कोई कमीशन बाजी तो नहीं करते, घूसखोरी तो नहीं करते? नहीं, कोई नहीं करते। आपके ग्राम प्रधान तो नहीं मांगते ना कमीशन? नहीं। बहुत अच्छा। आप सब लोगों के पास गाय है? सब लोग दूध बेचते हैं? आप कितना बेचते हैं, कितना लीटर दूध बेचते हैं? 8 लीटर। 8 लीटर। आप? 10 लीटर। 10 लीटर, बहुत बढ़िया। क्या भाव है दूध आपके यहाँ? दूध के रेट तो कम है, 20 रुपए लीटर। हाँ, दूध के भाव आपके यहाँ? दूध कम है हमारे यहाँ। उसके अलावा सब्जी वगैरह का उत्पादन भी करते हैं आप लोग? करते हैं। बिक्री भी तो कमी होती है, बिक्री भी होती है दूध? करते हैं, बिक्री भी। बहुत बढ़िया। आपके यहाँ तो सुना है कि पशु प्रदर्शनी भी लगती है, यहाँ बाहर से लोग आते हैं? 10-15 दिन पहले। आप लोग अपने यहाँ के जो इतने हरे भरे जंगल हैं, आप लोगों ने वृक्षारोपण वगैरह भी किया है कभी? पौधे लगाए? अच्छा जी, तो नरेगा योजना का आप लोगों को लाभ मिला है आपके गांव में? बहुत ज्यादा मिला। आप लोगों ने काम किया उसमें? पत्थर भी तोड़े हमने, रास्ता भी किया, रेत भी तोड़ी, सब कुछ किया सर। हम लगते नहीं है काम किया, लेकिन हम काम करते हैं सर, पीछे नहीं हटना चाहिए। और आगे भी मांग रखते हैं कि हमारे गांव में, मतलब मनरेगा में काम ज्यादा से ज्यादा आए और हम लोग ज्यादा से ज्यादा भाग लें, पूरे गांव वाले। आपके यहाँ सिंचाई की नहरें वगैरह सब है? सब बनी है सर। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और ये भी सब मनरेगा से बनी हुई है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहन जी, आपका नाम क्या है और आपकी गाय का नाम क्या रखा? अभी कितना लीटर? थोड़ा जोर। पूरे दिन में आपकी गाय कितना लीटर दूध देती है? उसमें से कितना लीटर दूध की आप बिक्री कर रहे हैं? 8 लीटर। अच्छा जी, तो कितने साल से आप गाय पाल रहे हैं? 10 साल। 10 साल हो गए। तो गाय के दूध से तो आपका घर का काफी खर्चा निकल जाता होगा?
कितनी गाय है आपके पास? दो गाय। धन्यवाद। मोदी रहने वाले हैं, क्या आप ग्राम पंचायतों की बैठकों में भाग लेते हैं? आप अपने ग्राम प्रधान के कार्य से कितना खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश है। हमारे गांव में सब इकट्ठा है, सब जितने भी लोग हैं सब एकत्र रहते बनाते हैं, जहाँ भी हुआ सब लोग एक साथ रहते हैं। प्रधान जी का कहना भी मानते हैं, प्रधान जी भी हर समय बुलाते हैं। आपके गांव की खासियत क्या है, एक खासियत बता दीजिए आपने गांव की। आप संगठन है हमारे गांव में, जहाँ जो एक एक आदमी जो बोलता है वही सभी लोग मानते हैं, प्रधान का कहना हर कोई मानते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आप चार बार जो है सावित्री देवी जी को ग्राम प्रधान बना चुकी हैं, क्या आप पांचवी बार भी उनको ग्राम प्रधान बनाना चाहेंगे? हाँ, बनाएंगे, बनाते हैं, आगे भी बनाएंगे, इन्हीं को बनाएंगे। क्यों बनाना चाहते हैं? हमें हर चीज की सुविधा मिलती है यहाँ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है हमारे प्रधान से जो है हमारा घर का ही माहौल हो जाता है ना, जैसे हमारे घर में कोई सयाना आदमी है तो प्रधान ही है हमारे यहाँ, ग्राम प्रधान जो है वो उसको हम घर अपनी परिस्थिति बताते हैं तो बना लेते हैं, उसको कोई भी हल कर लेते हैं उसका समाधान। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती माधविका। अच्छा, आपके यहाँ तो बहुत बढ़िया शौचालय दिख रहा है, क्या ग्राम सभा ने आपको सहयोग दिया था इसमें? हाँ जी, दिया था। ये कब बना दिया था आपने शौचालय? ये बनाया मैंने 2 साल पहले। 2 साल पहले, हाँ। तो उसके अलावा जो है आपके यहाँ तो बहुत बढ़िया सब्जी भी दिख रही है, क्या ग्राम सभा इसमें कोई मदद कर रही है आपको? बीज वीज मिलते हैं? हाँ, जब हम बोलते हैं तो तब देते हैं बीज। आपकी कितनी गाय है? मेरी गाय एक गाय है। कितना लीटर दूध दे रही है? मेरी गाय तो देती है 10-12 लीटर। 10-12 लीटर दूध देती है। तो क्या आपको लगता है कि आपके गांव में जो ग्राम प्रधान है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ जी, अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आप उनको पांचवी बार भी जिताना चाहेंगे? जी। क्या एक कोई खासियत बताइए अपने गाँव की। मेरे गाँव, हमारे गाँव की? जी, हमारे गाँव में बहुत अच्छा है। सही बात है, हमारा इकट्ठा गाँव जब हो जाता तो अगला आदमी हमारे गांव में कुछ नहीं कर सकता। एक खासियत हमारे गांव में ये है, हमारे गांव में बहुत एकता है, 7-8 मवासे हैं उनमें काफ़ी एकता है, ये लड़ाई झगड़ा हमारे गांव में नहीं होती है, एक खासियत ये है। उसके बाद जो हमारे गांव में प्रधान है ये हर समय पर जिसको परेशानी होती है उनकी मदद करते हैं। आपके यहाँ एक हॉट मिक्स का प्लांट लग रहा था, उसका विरोध क्यों किया आप लोगों ने? क्योंकि हमारा बहुत नुकसान हो रहा था, हमारा जंगल नुकसान हो रहा था, हमारे घास सारा नुकसान हो रहा था, हमारा पानी सारा नुकसान हो रहा था, इसलिए। आपके यहाँ पानी के कितने स्रोत हैं? पानी के स्रोत हमारे यहाँ हैं 6-7 स्रोत। उसमें ग्राम सभा की तरफ से कभी सुधारीकरण का काम हुआ है? हाँ जी, होते रहता है, जब पानी आने नहीं आए तो तब होता ही रहता है। आपके बच्चे क्या क्या करते हैं? मेरे बच्चे जी, मेरा तो